हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पास्ता लिया हुआ है, नली वाला पास्ता यूज़ कर रही हूँ मैं इसे। आप बीट फ्लोर पास्ता यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए हेल्दी होता है। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया, उसमें 2 लीटर पानी ऐड किया है कम से कम, और उसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल ऐड कर दे रही हूँ, और इसको अब हमें गैस की फ्लेम पर चढ़ा देंगे। चलिए, इसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, इसको अच्छी तरह से उबाला आने देंगे। इसमें अच्छी तरह से उबाला आ जाएगा तो इसमें पास्ते ऐड कर देंगे। देखिए, हमने इसमें पास्ते ऐड कर दिए हैं, और इसको हमें 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है। हमें इसे 80% ही पकाना है, बाकी तो ये सब्जियों में पकेगा। देखिए, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। चलिए, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और इसे फैला कर रख देते हैं। आप पास्ता कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, अच्छी कंपनी का यूज़ करें तो अच्छा है, बच्चों के लिए वीट फ्लोर पास्ता ही बेहतर होता है। अब यहाँ पे मैं टमाटर ले रही हूँ, 2 हरी मिर्च और लहसुन, इसका मैं प्यूरी बनाऊँगी। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। देखिए, हम तेल का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। इसे मैंने एक लहसुन की कली डाली। अभी तेल हमारा हल्का गर्म हुआ है, इसको हम थोड़ा और गर्म होने देंगे। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करके इसको हल्का भूनेंगे। हमें इन्हें पूरी तरह से नहीं पकाना है, इन्हें हमें हल्का ही पकाना है। इसे चलाते हुए थोड़ा 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी। हम इसे चलाते हुए पका लेना। ये देखिए, ये हल्की नरम हो चुकी हैं हमारी सब्जियाँ। अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई बंद गोभी। देखिए, शिमला मिर्च हमारा कैसे हल्का हो चुका है। अब इसमें हमने बंद गोभी ऐड कर दिया है। अब इसको भी हम चला के सब्जियों में अच्छी तरह से पका लेंगे। सब्जियों को हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, इन्हें हमें हल्का ही पकाना है। हमें इसे चारों तरफ चलाते रहते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाते रहना है। आप देख सकते हैं हमारी सब्जियां कैसे हल्की पक चुकी हैं। हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। मैं इसे खुला ही पका रही हूँ, ये देखिए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, और उसको भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें, क्योंकि हमने थोड़ा उसमें उबालने में भी नमक ऐड किया था, तो नमक हिसाब से यूज़ करें। हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर रहे हैं, थोड़ा हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा गरम मसाला। आप यहाँ पे मैगी मसाला भी यूज कर सकती हैं। इन मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मसालों को मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट पकने देंगे। ये देखिए, जब हमारा मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने प्यूरी टमाटर की बनाई हुई थी उसको। अब इस प्यूरी को हमें इन सब्जियों में अच्छी तरह से पकाना है। अभी देखिए, हम इस प्यूरी को हम चलाते हुए मसालों में सब्जियों में अच्छी तरह से पकाएंगे, तो इसमें अच्छी तरह से उबाला ना आ जाए, प्यूरी हमारी अच्छी तरह से ग्रेवी गाढ़ी ना हो जाए। तो हम बना रहे ग्रेवी वाली पास्ता रेसिपी। तो ये देखिए, हमारी प्यूरी पक चुकी है और सभी सब्जी अच्छे से पक चुकी हैं, प्यूरी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। इसको थोड़ा हम और पकाएंगे अभी। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं पास्ता। इसमें हमने सभी पास्ता ऐड कर दिया है, और इसको ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे, इसमें सभी पास्ते में ये ग्रेवी जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप इसे ग्रेवी वाले पास्ता भी कह सकते हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद होती है। आप देख सकते हैं हमारा पास्ता तैयार है। लाइट की वजह से तो पास्ता के कलर में थोड़ा फर्क आ रहा है। ये देखिए, ये हमारा पास्ता बनकर तैयार है, प्यूरी वाला। आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।